नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं टाटा म्यूचुअल फंड्स के टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को। दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भारत का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। तो ये NFO ओपन हुआ है 8 अप्रैल 2024 को, क्लोज होने वाला है 22 अप्रैल 2024 को और ये स्कीम कंटिन्यूअस परचेस के लिए रीओपन होगी 30 अप्रैल 2024 को। तो दोस्तों, इस NFO रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है और इसका मतलब ये है इस NFO के अंदर उसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स में जितने वेटेज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, बिल्कुल वही स्टॉक्स में वही वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस NFO में भी होने वाला है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। तो इस NFO का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अंदर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज, NBFCs, म्यूचुअल फंड AMCs और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। तो ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रकार के 20 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। तो इस NFO के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है HDFC बैंक लिमिटेड 30.85%, दूसरा है ICICI बैंक लिमिटेड 21.75%, फिर एक्सिस बैंक लिमिटेड 8.42%, फिर SBI 8.18%, उसी तरह से कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। ये थे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछला एक साल का टोटल रिटर्न है 17.41%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 11.55% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 20 साल का रिटर्न है 17.48%। मतलब कि अगर आप भी इस NFO स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। अब बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के स्टॉक्स में, 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस NFO के फंड मैनेजर है मिस्टर कपिल मेनन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मिनिमम एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में और मिनिमम रिडेम्पशन आप कर सकते हैं 500 रुपए से। स्कीम में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड डिविडेंड, उसमें भी पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस NFO में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर कुछ भी रिडेम्पशन स्विच किया तो 0.25% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 15 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस AMC की एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर कोई भी MV सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फंड्स बाजार के जरिए इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। उस लिंक से बहुत आसानी से आप अपना अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी NFO रिव्यू। अगर आपको इस जानकारी में कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।